अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। दो चार दिन के बाद आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। उसकी वजह है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं नहीं डाल पा रही थी। और आज जो है कि मेरे घर में मेरे ससुर और मेरी अम्मी की बरसी है तो उसके लिए कुछ खास इंतजाम कर रहे थे, जो उनको पसंद था उस हिसाब से हम बना रहे थे। तो अभी मैं जो बनाने जा रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ, वैसे तो बहुत कुछ बन रहा है, जो बन रहा है वो भी शेयर करूँगी आप लोगों से, लेकिन फ़िलहाल जो मैं खास चीज़ अभी जो बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू के समोसे और चिकन समोसे, चिकन टिक्का समोसे। तो चिकन टिक्का समोसे बनाएंगे तो वो आपसे शेयर करूँगी। अभी जो मैं जिसकी डो बना रही हूँ वो मैं आलू के समोसे की डो बना रही हूँ। यहाँ मैंने 1 से 1.5 कप जो है मैदा ले लिया है और इसमें हम डालेंगे अजवाइन, क्योंकि अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और पेट भी नहीं ख़राब करती। कुछ थोड़ी सी हम कलौंजी डालेंगे, कलौंजी और अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है, रमज़ानों जो है वो सही रखती है। थोड़ा सा हम जायके के हिसाब से नमक डालेंगे और हम डालेंगे, मैं डाल रही हूँ घी, आप मक्खन या तेल डालना, ऑयल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। वहाँ मैंने 2 स्पून जो है मैंने इसमें ऑयल डाला है और घी डाला है। उसकी वजह यह है कि घी डालने से समोसे की डो बड़ी क्रिस्पी बनती है। थोड़ा सा जो है हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और अब जो है हम इसको पहले आपस में मिलाएंगे और इसको ऐसा मिलाएंगे कि ये आपके हाथ में आकर मुट्ठी की तरह बनना शुरू होगा। अच्छे से इसको हम इसको मिक्स करेंगे। हमने नमक अभी नहीं डाला है, हाँ डाल दिया सॉरी। अब ये देखिए, ये इस तरह आपको इकट्ठे लगना लग जाएंगे ऐसे। तो अब हम जो है यहाँ पर हम जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी डो बढ़ाएंगे, जितनी हमको ज़रूरत होगी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी डो बनाएंगे। थोड़े पानी की और ज़रूरत है हम वो डाल रहे हैं। हमको डो ना ज़्यादा नरम करना है ना कुछ सॉफ्ट, बट डो बनाना है। और इसमें जो हमने घी वगैरह डाला है उससे जो समोसे की जो है बहुत समोसे की जो हम पट्टी बनाएंगे, यानी जिसमें समोसे डाल के फिल करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। तो हमको इसको आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के इसको बस हम जिस तरह नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना उस तरह गूंथ लेना। अब हमने इसको थोड़ा सा इसमें जो है ना अब डो चाहिए था तो यहाँ पर हमारा डो तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा घी इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। जितना आप हाथ इसको आटे को केच केच के बनाएंगे ना उतना आटे की डो अच्छी बनेगी। और फिर हम इसको ऐसे ऐसे करके हाथ में लेके थोड़ा सा घी हम इसके ऊपर लगा देंगे। आप देखना कितनी क्रिस्पी इसकी डो बनती है। ऐसा बना के हम इसको कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कवर, जब तक हम आलू के समोसे की और चिकन टिक्का के समोसे की फिलिंग बनाते तो जब तक ये सेट हो जाए। चलो जी, अब हम यहाँ पर फिलिंग के लिए आ गए हैं और फिलिंग के लिए ज़्यादा तेल हमको नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमने तेल यूज़ कर लिया। और सबसे पहले जो हम फिलिंग बना रहे हैं चिकन की फिलिंग बना रहे हैं, और चिकन की फिलिंग के लिए हमें चाहिए यहाँ पर डालेंगे ज़ीरा 2 स्पून, छोटी सी टीस्पून जिसको कहते हैं, अदरक लहसुन डालेंगे 1 स्पून, समोसे किसी भी किस्म के बनाओ ना उसमें हरी प्याज, समोसे हो पकोड़े हो तो उसमें हरी प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम हरी प्याज डालेंगे, इसको अच्छे से हम भुनाई करेंगे। हमने तेल बहुत कम लिया हुआ है, थोड़ा सा बिल्कुल, और हमें ज़्यादा मतलब सिर्फ खुशबू आ जाए और अदरक लहसुन और प्याज है ना फ्राई करनी है, बस भूननी है, ज़्यादा नहीं भूनना। और अगर मेरी वीडियो आज काफ़ी दिनों के बाद में आई हूँ, लेकिन है ना पता नहीं किसी भी बनाना सिखाएं तो मैं सिखाती हूँ,
और पसंद आती है तो मुझे बताइएगा। और इसमें हम 1 स्पून, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन टिक्का समोसे, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अपना मसाला और थोड़ा मसाला जो है वो चिकन टिक्का का डालूँगी, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई 1 स्पून लाल मिर्चें, देखिए मैंने ज़्यादा तेल ऑयल यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं यहाँ पर अपने हिसाब से जो है टिक्का मसाला डालूँगी, वन स्पून, 1.5 स्पून होगा टिक्का मसाला, और थोड़ा मैंने अपना मसाला डाला है मिक्स करके। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूँगी, क्योंकि चिकन टिक्का समोसे में इसका जो टेस्ट है अच्छा आता है। और थोड़ी मैं डालूँगी हरी मिर्च, मैंने 2 फिलिंग के लिए चीज़ें काटी है इसलिए मैं इसमें से थोड़ी थोड़ी डालूँ, क्योंकि मैं भी आलू की भी समोसे की भी डो बनाने वाली हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम इसमें डालेंगे कि मैंने चिकन है उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ काली मिर्ची, हल्दी और नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। और इसके इस तरह लच्छे की सूरत, रेशा की सूरत में मैंने यहाँ पर सिर्फ चिकन को रेशा रेशा कर लिया था, थोड़ी सी काली मिर्ची हल्दी डाल के थोड़े से पानी में ऐसा बॉईल किया था कि उसका पानी उसी में कुछ कर लिया था, क्योंकि चिकन के अंदर से हम सिर्फ चिकन निकाल लें और पानी यानी इसकी स्टोव फेंक दें तो वो टेस्ट सारा निकल जाता है। तो मैंने थोड़े से ही पानी में इसको उबाला था, उसी में खुश कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने अब जो है गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसके जायका हमने नमक डाल दिया इसमें, क्योंकि जितना मसाला होता है उसमें भी नमक होता है। और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें 1 स्पून हम इसमें लाल मिर्चें डाल देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको जल्दी जल्दी डाल देंगे, क्योंकि हमारी चिकन पकी हुई थी, हमें सिर्फ मसाला भूनना था। तो लाल कश्मीरी लाल मिर्ची मैंने सिर्फ इसलिए डाली है, एक तो उसका कलर अच्छा आ जाता है, बाकी ये ज़्यादा स्पाइसी या तेज़ नहीं होती। तो ये देखें हमारी डो, ये चिकन टिक्का की जो डो थी वो तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम जो है आलू के समोसे की डो नहीं, मेरी बार बार मेरे मुंह से डो निकल जाता है, क्योंकि गैस जा रही है और रोज़े का टाइम करीब आ गया है। तो माजरत, डो नहीं फिलिंग, चिकन टिक्का की फिलिंग तैयार हो गई है। अभी इसमें हमने मज़ीद और चीज़ें डालनी है, और वो क्या डालनी है, ऐड करनी है। अब चूल्हा बंद करके हम इसमें 1/2 प्याज मिला देंगे और धनिया मिला देंगे, ठीक है। अब हम इसको ठंडी करने के लिए साइड करेंगे, और जब तक ये ठंडा हो रहा है तो हम आलू के समोसे की फिलिंग बनाते हैं, और इसके बाद हम कैसे इसके समोसे और उसकी पट्टी बनाकर उसमें डालते हैं वो आपको बताएंगे। नहीं धोइए, क्योंकि हमें यही काम है, मसाले यही सारे डालने हैं, तो फिलिंग में ज़्यादा तेल यूज़ नहीं होता, इसलिए इसमें भी हम थोड़ा सा तेल लेंगे। और उस तेल के बाद हमने क्या करना है, इसमें हम यहाँ पर डालेंगे ज़ीरा 2 स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून, थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे, हमें इतनी भुनाई करनी है जिसकी खुशबू आ जानी चाहिए, ना कि ये जल जाए, ठीक है। और अब इसमें हम डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, मेरे बच्चे थोड़े स्पाइसी खाते हैं। गरम मसाला डाल रही हूँ 1 स्पून, आधी आधी करके बस 1 स्पून डाला था, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि इसका मसाला ना जले। थोड़ी सी यहाँ पे हम प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी जायका
कुछ चीज़ें हमने फिलिंग में भी डाली है, हरी मिर्चें वगैरह हमने डाल दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये आलू, मैंने पहले से उबाल लिया था और इसके ऐसे छोटे बड़े पैक पीस कर लिए थे, यानी कि थोड़ा सा वो आलू के समोसे में बिल्कुल पेस्ट भी नहीं करते हैं। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी जो है ये कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल देंगे। अच्छा, इस मसाले को हमको आलू के ऊपर बहुत अच्छे से मिला लेना है ताकि तमाम मसाला यकजा हो जाए। और थोड़ी सी आधी चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी और आधी चम्मच हम पिसीली लाल मिर्ची डालते हैं। आप मसाले वगैरह अपने हिसाब से, अपनी फैमिली में अपने जितना आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने जितना मैं बना रही हूँ अपने हिसाब से, मैंने ये जो आलू है, मेरे पास छोटे छोटे आजकल आलू आए हैं तो छोटे छोटे 4 से 5 आलू थे, वो मैंने उबाल कर बॉयल करके पीस करके पहले से रख लिए थे। अब ये गोभी हमारी रेडी हो गई है, इसमें हम ये थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा फिलिंग जो है अच्छी नज़ दिखती है। अब इसको भी हम बोल में निकालते हैं और फिर हम आपको फिलिंग करके बताते हैं। हमारा डो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा तैयार हो गया है, ये देखिए। अब हम इसको यहाँ पर निकालेंगे, इसको करेंगे हम साइड पे। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, ऐसा ले लेंगे और इसको हम 2-3 हिस्सों में कर लेंगे। ठीक है, सब बढ़िया रखते हैं। और हमें इसको थोड़ा पतला डो बनाना है क्योंकि हम समोसे बना रहे हैं, तो हमको अगर क्रिस्पी और वो बनाने हैं तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही गोल ले लेंगे, इसको बहुत अच्छे से ऐसे, और फिर इसको थोड़ा सा ले लेंगे। इतना पतला हमें बनाना है इसमें, इसको जैसे हम पूरी वगैरह बनाते हैं ना, और जैसे समोसों की पट्टियाँ होती है, इतना पतला, ताकि हमारा जो समोसा जो है वो परफेक्ट क्रिस्पी क्रिस्पी बने। अगर ये आटा ज़रा ज़्यादा वो होता हो तो आप इसमें थोड़ा सा ये डस्ट कर सकते हैं। असल में ना टाइलें बहुत स्लिप हो रही है, इसलिए ये जो है ना इसका टिक नहीं रहा है। अब हमने क्या करना है, इस तरह की देखें आप लोगों को पतली डो बनानी है, तो फिर यहाँ बीच में से आपको इसको कट कर लेना ऐसे, ठीक है। एक हम करेंगे साइड और एक को हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, इसको कर देंगे बंद, ताकि आपकी फिलिंग जो है ना वो मेन जो डिपेंड करती है समोसे पे, आपकी फिलिंग करती है। कहीं से भी आकर अगर समोसा खुला होगा तो आपके समोसे में अंदर ऑयल जाएगा और बहुत ऑयली बनेगा और आपकी जो फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी, तो फिर वो ऐसे फिर समोसे में मज़ा नहीं आती। तो हमने पहले जो है अच्छे से इसकी समोसे की जो डो है उसको पैक करना है। ये हमने इस शेप में देखें पैक कर लिया है, ठीक है, और ये हमारा बन गया पॉकेट। पॉकेट में हम डालेंगे जो हमने स्टफ इसकी फिलिंग के लिए बनाया है वो हम डालेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसकी फिलिंग डालेंगे। फिलिंग कम होती है, मज़ा नहीं आता। फिलिंग आप जितनी अंदर करके डालेंगे और भर के डालेंगे उतने समोसे आपको अच्छे लगेंगे। तो हमने जो है ये फिलिंग इसमें भर दी है अच्छे से, और फिलिंग भरने के बाद फिर आपने क्या करना है ये देखें, इसको आपने ऐसे हाथों से दबाकर इसकी सारी किनारियों को ऐसे बंद कर देना है बिल्कुल, इसको भी
ऐसे ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ना, क्योंकि आलू जो है ना वो थोड़े ऊपर फुले हुए बनते हैं, तो यहाँ से हम इसको मज़ीद यहाँ पर हम इसको पैक कर देंगे। पैक करने से क्या होगा कि आपका समोसा क्रिस्पी बनेगा, और जो है ना दो चिकन टिक्का समोसे मैंने आपको बता दी थी, ये डो तैयार करना है, ये सब रेडी हो गए। यहाँ पर मैंने आलू के समोसे की डो बना ली, और एक मैंने पोटली समोसा बनाया जिसकी मैंने अभी नहीं दी रेसिपी, इंशाल्लाह फिर कभी दूंगी। और अब मैं तलने जा रही हूँ, तलने के बाद ये किस तरह की रेसिपी बनते कैसे बनते फिर मैं वो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ, मैं अभी जितने मुझे ज़रूरत है उतने तलूँगी, बाकी आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, डिप भी कर सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो, थैलियों में डाल के, डब्बों में डाल के, जिसमें दिल जाए आप इसको फ्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आधे फ्रीज कर रही हूँ आधे तल रही हूँ। गर्म करने रख दिया है, मीडियम चूल्हा है इसलिए कि सब कुछ पका हुआ है, हमें सिर्फ समोसे तलने। ठीक है, तो हम ये आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे छोड़ेंगे। पहले आपने इसको नहीं छेड़ना, फिर हम इसको थोड़ी दूर रो भी जल जाओगी, फिर हम इसको ऐसे पलटेंगे और आप देखना है इसकी कितने क्रिस्पी बनते हैं, ऑयली भी नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे मज़े के बनते हैं ये। इससे जो असल प्रोसीजर है वो जो है वो यही होता है कि आपकी डो आप आराम से डालने, क्योंकि ये जलने का फिर खतरा होता है, बहुत एहतियात से किचन में काम करना चाहिए। अब क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी जो ना हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से आलू भी पके हुए और हमारा सब कुछ जो हमें पहले से ही पका कर और हमने सिर्फ डो में फिलिंग की थी, तो ये बिल्कुल भी अंदर ऑयल नहीं जाएगा और ये क्रिस्पी क्रिस्पी से खाने में आपको खाने में भी मज़ा आएगा और बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारे समोसे, तस्वीर ले लो, ये देखें ये आलू के समोसे हमारे रेडी हो गए, और इसका क्रिस्पी पर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये देखें आवाज़ आ रही है आप लोगों को, तो ये ऐसे पड़े क्रिस्पी, ये देखें मैं यहाँ डाल लूँ, ये तय हो गए ना। अब हम थोड़े से चिकन टिक्का समोसे तल रहे हैं, उसको भी आप देखें, बहुत ही आराम से आप समोसे को छोड़ोगे ना तो समोसे कभी भी आपके ऊपर उड़ेंगे नहीं, जलेंगे नहीं। फिर इसको आप किसी चूड़ी की मदद से पहले उसको उल्टा करें, क्योंकि अगर आप स्पाइडर से करेंगे तो स्पाइडर से उड़ने का खतरा होता है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये समोसे भी देखें हमने फिलिंग और जो डो भरी थी, ये बिल्कुल भी बॉयल ही नहीं होंगे ना, वो ही बैठेंगे। और इसकी भी क्रिस्पी पना देखें, ग्रीन चटनी के साथ तैयार है आलू के समोसे, चिकन टिक्का समोसे, पोटली समोसे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।